गंगापुर सिटी के कुनकटा गांव में ससुराल में 30 वर्षीय का दम घुटने से मौत का मामला सामने आया। पीर पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष पर गला घोटकर मारने का आरोप लगाया। विवाहिता के भाई राजेश गुर्जर ने बताया कि उसकी बहन पपीता गुर्जर की 2013 में कुनकटा गांव के जल सिंह गुर्जर के साथ शादी हुई थी। शादी के बाद पपीता के 2 बच्चियां हैं, एक 6 माह की और 2 वर्ष की 2 बच्चियां हैं। भाई राजेश का कहना है कि बहन की मौत की सूचना उसके ससुराल पक्ष के पड़ोसियों ने दी। जब वह ससुराल में गया तो पपीता को एक खाट पर सुला रखा था, जिसे एक जीप के द्वारा राजकीय अस्पताल लाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वहीं अभी मौके पर डिप्टी कालूराम मीना सहित पुलिस अस्पताल में ही है। पीयर पक्ष द्वारा ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ हत्या करने की प्रार्थना पत्र दिया गया है। नमस्कार भैया, क्या नाम है भैया आपका? राजेश पूजा। राजेश पूजा, जो ये घटना हुई है, ये कौन लगती है आपकी? पपीता कौन लगती है? बहना है मेरी। बहन है? खास बहन है? खास बहन। क्या बात हुई थी? मेरे को 10-11 बजे फ़ोन किया। हाँ, पड़ोसी ने, इनने तो फ़ोन भी नहीं किया। मैंने आके देखा तो वो कमरे में सिला रखी थी। क्या मतलब, किस प्रकार से इन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी है इनकी? इसको मारी गई है कल गला घोट के माला गई। अच्छा, और शादी कब हुई थी इनकी? शादी वो हो गई 7-8 साल। कौन से सन में हुई थी? सन 2013 के समथिंग। 13 में हुई है? 2013 में। कितने बच्चे बच्चे हैं इनका? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे। इनके पिताजी का क्या नाम है? बच्ची के पिताजी का? प्यार सिंह गुर्जर। प्यार सिंह गुर्जर। और इनके बच्ची के ससुर का क्या नाम है? लड्डू, लड्डू लाल जी गुर्जर। शादी कहाँ से की थी आपने? देर्रा से। देर्रा खेलली? देर्रा। हाँ। अच्छा, 2013 में शादी की है। इनके कितने बच्चे बच्ची है? कौन के? बच्ची के कितने बच्चे बच्ची है? 2 बच्ची है। 2 बच्ची है। कितने कितने साल की है बता सकते हैं? 5-6 महीना हुई थी मेरे ख्याल से, और 1-2-3 महीने, 1-2 साल की होगी। छोटी ही बच्ची। अच्छा, छोटी बच्ची है। अब आप पोस्टमार्टम चल रहा है? हाँ। पोस्टमार्टम के बाद आप डेड बॉडी को आप लेके जाएंगे या ससुराल पक्ष के लेके जाएंगे? वो तो मैं जलानी है ससुराल में। ससुराल में अंतिम संस्कार ससुराल में होगा, क्योंकि इनका कहना है कि इनके पपीता का अंतिम संस्कार ससुराल में किया जाएगा। ये अपने बड़े पूरे परिवार पियर पक्ष में, ससुराल पक्ष में 2 बच्चियां छोड़ करके गई हैं। एक 6 महीने की है, 2 बड़ी बच्ची 2 साल की बताई जा रही है। ये